हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे यार। और टिरू ने देखो क्या किया है आज। टिरू का मतलब अभी मैं कारनामा दिखाता हूँ, टिरू ने क्या किया है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो इधर खोद डाला इसने, यहाँ इस टायर के पास खोदा यहाँ पे, और इस वाले टायर के पास इधर खोदा है। अभी उधर बैठा हुआ वहाँ भी खोद रहा है ये लड़का है। टिरू क्या हो गया है आज? वैसे गर्मी ज़्यादा है इसलिए टिरू ऐसे काम कर रहा है टिरू, वरना टिरू खोदता खोता है तब भी खोदता ही है। और इस गाय को देखो, इसकी रस्सी तो देखो, रस्सी का क्या हाल है, ये रस्सी का क्या हाल कर दिया है इसने। और मम्मी बीमार हैं, इनको बुखार हो गया है। कल जो है इनको जुकाम था, तो जुकाम की वजह से फिर बुखार भी हो गया कल शाम को जो है। और दवाई वगैरह लेकर आया हूँ मैं, आज सुबह लेके गया था मम्मी को, तो अभी कुछ आराम है। अभी अपना पाड़ू पैरा खा रहा है, इसको मैं वाला पैरा देता हूँ, सूखा वाला जो मैंने वहाँ उस पर रखा हुआ ईंटे पे ना, वो वाला देता हूँ। ले पाड़ू, पाड़ू ले, ले पाड़ू, ले पाड़ू, ले पाड़ू, ले हले वाला पैरा। वैसे तो ये भी गीला है, कल बारिश हो गई थी। यहाँ टिरू को मुंह में खिलाओ तभी टिरू खाता है, नहीं तो टिरू अपनी जगह से उठता नहीं है। अभी पापा ने इसको रोटी दी लेकिन नहीं उठाई, इसको फिर मुंह में पकड़ाया तब जाके इसने खाया। टिरू कल रात में सोते सोते 12 बज गए थे, वीडियो एडिट करी, एडिट करने के बाद फिर जो है तब जाके सोया। आज मंगलवार है तो आज मैं गया था दर्शन करने टीकर बाबा के यहाँ। तो ये देखो कपड़े यहाँ पे मैंने फैला रखे हैं, ये कपड़े जो है पसीने से एकदम भीग गए थे, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। टिरू को देखो फिर से आ गया, यहीं पे बैठ गया टिरू। है टिरू, कल रात में 12 बज गए थे जो है, मतलब 11:30 बजे मैं आया था, सारे लोग वहीं पे जो है मस्ती मार रहे थे, नाच रहे थे, कल डीजे बज रहा था, तो इस वजह से जो है कल लेट हो गए थे। और कल मैंने अपनी वीडियो भी नहीं डाली, आज सुबह जाके वीडियो अपलोड करी। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ये बनियान देख सकते हो, मैंने बनियान इसीलिए पहनी हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, पसीना पसीना हो जाता है। मैंने जो वो कल अभी हाँ कल जो कल ही टी शर्ट पहनी ये वाली, और आज कल देखो यार एकदम वाइट वाइट हो गई है, मतलब कल के कल ही गंदी हो गई, इतना ज़्यादा पसीना हो गया था कल। टिरू की सहेली आ गई है यहाँ बैठने, चल भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैंने जो है कल्लू को और उसको गाय को और पाड़ू को जो है चारा दे दिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यार, ये देख सकते हो, ये पूरा पसीना पसीना हो गया है। और टिरू का भी बुरा हाल है बेचारा, क्या करे, इतनी गर्मी है, हाँफ रहा है टिरू। हमारे भी अनार के पेड़ के जो अनार हैं वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये इतने सारे लगे हैं, ये इधर इधर इधर, लेकिन ये खाने लायक नहीं होते, इसमें मतलब खाली बीज बीज होते हैं, जो इसमें का वो जूस निकलता है, जूस वगैरह बहुत ही कम निकलता है इसमें। ये टिरू मेरे पीछे पीछे घूम जा रहा है, अभी यहाँ आ गया, अभी मैं वो वहाँ गया था हवा लेने पंखे की, तो वहाँ चला गया था, अब फिर यहाँ पे आ गया मेरे पीछे पीछे जैसे मैं इधर पे आया। तो आज मैं जा रहा हूँ घास काटने, ये हसिया मेरी, मैंने सारा कुछ ले लिया, ये तो मतलब घास बांधने के लिए ये दोनों चीज़ और ये हसिया, और देखते हैं टिरू हमारे साथ आता है कि नहीं। टिरू चलेगा मशीन पे, टिरू मशीन पे चलेगा, टिरू तो चलो चलते हैं मशीन पे और देखते हैं मैं काट पाता हूँ, मतलब कितनी काट पाता हूँ, ऐसे मैंने काटी तो है लेकिन कितनी काट पाता हूँ। तो आज संदीप का धान लग रहा था और हमारा जो है सोमवार को दिन रखा गया है, तो सोमवार को लगेगा। और उधर पे जो है अभी धान लग रहा है, तो अभी मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि वहीं पर मेरे को घास काटना है उसी साइड जाके, तो अभी चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो घास तो ज़्यादा बची नहीं है अब, क्योंकि पापा ने ये यहाँ की सारी घास काट ली, पहले यहाँ पे बड़ी बड़ी घासें थी यहाँ भी, अब यही मेड़ पे जो रह गई घासें, यही घासें मुझे काटनी पड़ेंगी, ये वाली जितनी भी हैं, देखता हूँ कितनी काटता हूँ कितनी नहीं काटता। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए और मैंने ये इतनी घास काटी, ये वाली वो वाली, और मैं अपनी बेरन दिखाता हूँ कितनी बड़ी बड़ी मेरी बेरन हो गई है। तो गाइस ये देखो इतनी बड़ी हो गई है, लगाने लायक हो गई है, 1 महीने से ज़्यादा की हो रही है हमारी बेरन, और इतनी सारी है। अरे बीच में तो यार चूहे भी लग गए, वो देखो वो वहाँ पे चूहे इसको खा जा रहे हैं पता नहीं कैसे। सो गाइस मैंने ये इतनी घास काटी है, ज़्यादा नहीं काटी है मुझसे, मतलब काटी नहीं जा रही थी, बहुत दिन हो गए काटे हुए, तो मतलब मैं ज़्यादा वैसे काटता नहीं था, कभी कभार वैसे काट लेता था कि, लेकिन मतलब यहाँ पे घास भी सही से नहीं है, अभी यहाँ होती ना तो काट सकता था मैं बहुत सारी घास, लेकिन ये इसको ढूंढ ढूंढ के काटना पड़ रहा है, पता नहीं ये घास मतलब जानवर खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे, हो सकता है टाइट हो गई हो, इस वजह से जो है मैंने नहीं काटी है। और चलते हैं घर पे यार, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी।